वेलकम टू विवान स्टडी। दोस्तों आज है 8 मई 2020 और 8 मई 2020 की जितने भी करंट अफेयर्स हैं हम लेके आए हैं और उन करंट अफेयर्स पे हम चर्चा करेंगे, आज डिस्कशन करेंगे और उनसे संबंधित जितने भी फैक्ट्स होंगे, जो क्वेश्चंस हैं उनके जितने भी फैक्ट्स होंगे उन फैक्ट्स पे भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ध्यान से देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगर आपको PDF की आवश्यकता हो तो PDF हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर्स का आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक डे मनाया गया, किस डेट में मनाया गया? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए 6 मई, बी 5 मई, सी 7 मई और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका जो वर्ल्ड एथलेटिक डे मनाया गया वो मनाया गया 7 मई को। ठीक है दोस्तों, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक डे मनाया जाता है। तो दोस्तों अगर बात करें कि वर्ल्ड एथलेटिक डे क्यों मनाया जाता है, ठीक है, तो वर्ल्ड एथलेटिक डे इसलिए मनाया जाता है ताकि स्कूलों और संस्थाओं में युवाओं के बीच खेल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे सेलिब्रेट किया जाता है और एथलेटिक्स के क्षेत्र में नई प्रतिभाओं और युवाओं को परिचय कराना होता है कि हाँ इस क्षेत्र में इस गेम में इस प्लेयर ने ये किया, उस गेम में इस प्लेयर ने किया। ठीक है, तो एक तरह से अवेयरनेस डालना बच्चों के अंदर, ठीक है, युवाओं में, नवयुवकों में अवेयरनेस डालना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 मई। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको जो आयोजित करवाता है, जो एथलेटिक्स जो होते हैं, ओलंपिक गेम्स जो होते हैं, इसको आयोजित करवाता है IAAF, इंटरनेशनल अमेटर्स एथलेटिक फेडरेशन एंड इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स। ठीक है दोस्तों, ये इसके द्वारा आयोजित कराया जाता है। और दोस्तों हम बात करें तो जो इसके इसका जो सिस्टम है, इसका जो मैनेजमेंट है, इसके CEO हैं जॉन रिजोन। ठीक है, और प्रेसिडेंट जो है सेबेस्टियन को हैं। अगर इसका हेडक्वार्टर जो है देखा जाए तो हेडक्वार्टर इसका मोनैको में है और इसकी स्थापना 17 जुलाई 1912 को हुई थी। ठीक है, 17 जुलाई 1912, आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं ये। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका है वर्ल्ड एथलेटिक डे, जो आप 7 मई को हर साल मनाया जाता है, मतलब मई महीने में हर साल 7 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस साल जो वर्ल्ड एथलेटिक डे मनाया गया है, इसकी थीम क्या थी? थीम इसकी थी एथलेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड। अब याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि 2020 वर्ल्ड एथलेटिक डे की थीम क्या थी, तो थीम आपकी है एथलेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर जयंती मनाई गई। ठीक है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जयंती मनाई गई, ये ऑप्शन ए 2 मई, ऑप्शन बी 5 मई, ऑप्शन सी 7 मई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि रविंद्रनाथ टैगोर जयंती किस दिन मनाई गई। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी करेक्ट आंसर आपका 7 मई ही होगा। ठीक है, 7 मई को जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई जाती है, साथ ही साथ 7 मई को जो है बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा भी मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट को। दोस्तों साथ ही साथ हम रिवीजन करते चलें कि इस मई महीने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे थे। ठीक है, तो इसको रिवीजन करेंगे तो रिवाइज करते चलेंगे तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको याद भी रहेगा। ठीक है, क्योंकि मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने का वैसे एक ही तरीका होता है कि चीज़ों को रिपीट करें। ठीक, तो चलिए इस मई महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज अभी तक हुए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, और मई दिवस भी मनाया जाता है 1 तारीख को। ठीक है, और 1 मई को महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है और 1 मई को गुजरात स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है, 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है, 4 मई को कोल माइनर्स डे मनाया जाता है और 4 मई को ही इंटरनेशनल फायर फाइटर डे मनाया जाता है और 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है। ठीक है, और अभी जो 7 को हुए हैं मैंने इसमें आपको बता दिए हैं थोड़ी देर पहले, इनको पॉइंट्स याद रखिएगा और इनको सीक्वेंस में रिवाइज भी करते चलिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार जिसने हाल ही में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत के लिए 1,610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है, ठीक है, जिसने 1,610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन आपके ऑप्शन ए, ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटका राज्य ने लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों के लिए 1,610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। दोस्तों अगर हम बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटका के राज्यपाल इस समय कौन है, वाजुभाई वाला, और मुख्यमंत्री कौन है, बी एस येदुरप्पा। राजधानी क्या है कर्नाटका की, बेंगलुरु, और यहाँ की भाषा क्या है, कन्नड़, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और अगर मैप में देखें कि मैप में हम जो कर्नाटका कहाँ पे है, तो ये आप मैप में देख सकते हैं कि यहाँ कर्नाटका है, ये कर्नाटका है, ठीक है। मैप में पॉइंट टू पॉइंट याद करते चलें ताकि एग्ज़ाम में इजीली जो है आप इसको समझ सकें और किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप अपने आप को तैयार करके रख सकें, ठीक है। तो ये आपका कर्नाटका है, मैप में देखते चलें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने हाल ही में किस देश के लिए 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की मंजूरी दे दी है। तो ऑप्शन आपके हैं, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इसराइल, ऑप्शन सी मैक्सिको, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि भारत सरकार ने हाल ही में किस देश को भेजने के लिए 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, ठीक है, इसको भेजने की मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको को भारत ने जो है 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन भेजने को मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं मैक्सिको के बारे में सुनते हैं तो मैक्सिको के बारे में, मैक्सिको की कैपिटल क्या होगी, मैक्सिको कैपिटल है मैक्सिको सिटी, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे एंड्रेस मैनुअल, ठीक है, एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर। करेंसी क्या है, पेसो, मैक्सिकन पेसो चलता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैप में देखते हैं कहाँ पे है, अगर मैक्सिको की बात करें तो ये वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड मैप में मैक्सिको यहाँ पे है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट के बगल में, ठीक है, यहाँ पे ये पूरा हिस्सा जो है, ये हिस्सा जो है ये यूनाइटेड स्टेट का हिस्सा है, तो यूनाइटेड स्टेट्स के बगल में जो है मैक्सिको पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन भेजने के लिए भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन आज की करंट अफेयर्स का आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, ठीक है। आपके ऑप्शंस में है ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी उत्तर कोरिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि किस कंट्री ने हैनान प्रांत से जो है एक सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, ठीक है। लॉन्च का नाम क्या है, द लॉन्ग मार्च 5B इसको लॉन्च किया है सफलतापूर्वक, कौन सा कंट्री है वो। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा चीन, ठीक है। दोस्तों चीन ने जो है सफलतापूर्वक जो है लॉन्च किया है इसको, और अगर हम चीन की बात करें तो चीन की करेंसी है रेनमिनबी, ट्रेंडिंग जो अभी चल रही है, और कैपिटल क्या है, बीजिंग, और प्रेसिडेंट कौन है, सी जिनपिंग, प्रेसिडेंट आप ये हैं सी जिनपिंग, ठीक है। करेंसी क्या हो जाएगी इनकी, रेनमिनबी, ठीक है। तो मैप में दिखाते हैं मैप में चाइना कहाँ पे है, या आप वर्ल्ड मैप अगर देखते हैं तो वर्ल्ड मैप में ये चाइना आपको यहाँ पे दिखेगा, ये चाइना है, ठीक है। दोस्तों इंडिया के जस्ट बगल में चाइना, इंडिया बॉर्डर पड़ता है वो सभी जानते हैं, तो इंडिया के जस्ट बगल में ये चाइना है पूरा, और यहाँ की करेंसी क्या है, रेनमिनबी, ठीक है, और कैपिटल बीजिंग, प्रेसिडेंट सी जिनपिंग, और चाइना ने ही द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यालय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। आपको पोर्टल का नाम बताना है कि किस पोर्टल को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन आपके हैं ए आकाश, बी गरुण, सी कोयल, डी नमन।
तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यालय, जो कार्यालय कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में इसे लॉन्च किया है, तो बताना है कि वो कौन सा पोर्टल है, ठीक है। तो आपको आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गरुण, ठीक है दोस्तों। गरुण नाम का पोर्टल लॉन्च किया गया। अच्छा, अगर बात करें लॉन्च क्यों किया गया, तो लॉन्च करने का कारण क्या है, तो गरुण का पूर्ण स्वरूप गवर्नमेंट के अंडर है, ठीक है। गरुण का फुल फॉर्म अगर हम देखना चाहें तो गरुण का फुल फॉर्म होगा गवर्नमेंट ऑथोराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स, ठीक है। गरुण पोर्टल जो है कोविड 19 महामारी से मुकाबले के लिए ड्रोन संचालित करने हित केंद्र सरकार से छूट प्राप्त करने के लिए राज्य संस्थाओं की सहायता करेगा, ठीक है। नागरिक विमान महानिदेशालय नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एक नियामक संस्था है जो हवाई सुरक्षा, दुर्घटना आदि मामलों की जांच करती है। क्या भारत के लिए विमान परिवहन सेवाओं के विनिमय और सिविल विमान विनिमय उन्नयन, विमान सुरक्षा तथा अन्य योग्यता मानकों के परिवर्तन के लिए भी उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो ये था जो गरुड़ नाम का जो पोर्टल है उसमें क्या होना है उससे संबंधित जानकारी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने से एक बड़ा हादसा हो गया। आज की बात है, 7 मई 2020 की है, ठीक है। तो सुबह गैस रिसाव होने से, मतलब फैक्ट्री में गैस रिसाव, प्लास्टिक फैक्ट्री थी, प्लास्टिक फैक्ट्री में गैस रिसाव होने के कारण वहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो गया है। तो ऑप्शंस आपके दिए हैं, ऑप्शन ए गुंतूर, ऑप्शन बी चित्तूर, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी इसमें इनमें से कोई नहीं। तो जो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका विशाखापट्टनम, ठीक है दोस्तों। विशाखापट्टनम में प्लास्टिक फैक्ट्री थी जिसमें गैस रिसाव के कारण काफ़ी लोगों की जाने गई हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें विशाखापट्टनम की, तो विशाखापट्टनम पड़ता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं YS जगमोहन रेड्डी, और गवर्नर जो है विश्वभूषण हरिचंदन, और कैपिटल यहाँ की अमरावती है, अमरावती और हैदराबाद दोनों कैपिटल हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर हम मैप में देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं मैप में विशाखापट्टनम ये है, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं विशाखापट्टनम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आज की करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन है आपका, वह देश जिसके खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफ़ा अल कादिमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली, मतलब पहले ये जो है यहाँ वहाँ के एजेंसी के पूर्व प्रमुख थे, खुफिया एजेंसी के प्रमुख हुआ करते थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने क्या किया है कि वहाँ के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस में है ऑप्शन ए यमन, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इराक, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इराक जी, ठीक है। और अगर हम बात करें इराक की, तो इराक के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मुस्तफ़ा अल कदीमी, और प्रेसिडेंट हैं बरहम सलीह, और कैपिटल बगदाद, और करेंसी की अगर बात करें तो करेंसी है इराकी दीनार, ठीक है दोस्तों। और अगर आप मैप में देखना चाहें कि मैप में इराक कहाँ पे, तो ये है आपका मैप वर्ल्ड मैप, और वर्ल्ड मैप में इराक यहाँ पड़ता है, ठीक है दोस्तों, ये इराक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन आपका है, सीमा सड़क संगठन दिवस आपका किस दिन मनाया जाता है। ये मनाया जाता है दोस्तों 7 मई को, ये भी मनाया जाता है, ठीक है। तो डेट याद रखिएगा 7 मई को, ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है। सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस भी 7 मई को मनाया जाता है। अच्छा, अगर बात करें कि क्यों मनाया जाता है, तो सीमा सड़क संगठन 7 मई को हमेशा मनाया जाता है, और ये इसका आज इस ईयर का जो 2020 का था, ये 60वां स्थापना दिवस था। और BRO देश के सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत संरचना विकास के क्षेत्र में अग्रणी सरकारी संगठन है, और सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। सीमा सड़क संगठन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है। ये जो सीमाएं होती हैं हमारे देश की, सीमाओं को जो सड़क व्यवस्थाएं हैं, रोड व्यवस्था है, रोड मैनेजमेंट है, इन सब चीज़ों की देखभाल करती है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आज की करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस योजना के अंतर्गत
39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना, बी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, डी प्रधानमंत्री मानधन योजना। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी ऐसी योजना है जिसमें जो है इसके अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अभी हाल ही में कोरोना वायरस चल रहा है, जो कोरोना वायरस की महामारी के चलते हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण ने बीच में ही घोषणा की थी इसके लिए कि केंद्र सरकार ने COVID-19 लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद के लिए इस पैकेज की घोषणा की है कि मतलब वित्त मंत्री 1.70 लाख करोड़ रुपए की इस पैकेज की घोषणा पब्लिक के लिए की जाएगी। और इसके तहत सरकार ने गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न के साथ महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों को नकद भुगतान देने की घोषणा की थी। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पैकेज बांटने की केंद्र और राज्य सरकारें नियमित निगरानी कर रही हैं, मतलब किसी भी प्रकार की कहीं कोई चूक ना की जाए और प्रॉपर ये लोगों तक पहुंचाया जाए। ठीक है, जो गरीब तबके के लोग हैं या जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनके बीच में ये राहत सामग्री और ये पैकेज जो बना दिया है उन्होंने, वो लोगों के बीच में पहुँचाया जाए। ठीक है, तो ये थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोरोना वायरस के कारण वर्ल्ड कप 2023 चैलेंज लीग ए को टाल दिया है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए BCCI, बी ICC, सी हॉकी संघ, डी खेल मंत्रालय। तो आपको बताना है कि किसने जो है कोरोना वायरस के कारण वर्ल्ड कप 2023 चैलेंज लीग को टाल दिया है। ठीक है, तो आपको बताना है करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ICC। ठीक है, ICC ने कोरोना वायरस के कारण वर्ल्ड कप 2023 चैलेंज लीग ए को टाल दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत की किस पूर्व प्रधानमंत्री और राजकुमारी अमृत कौर को पिछले शताब्दी की दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी सोनिया गांधी, ऑप्शन सी मीरा कुमार, ऑप्शन डी प्रियंका गांधी। ये टाइपिंग में एरर है, आप सी डी समझिएगा इसको। ठीक है, तो बताना है आपको जो है कि कौन सी हमारी जो पूर्व प्रधानमंत्री थी और जो राजकुमारी अमृत हैं उनको पिछले शताब्दी की दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी को जो है 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें इंदिरा गांधी की, तो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजकुमारी अमृत कौर को टाइम्स पत्रिका ने पिछले शताब्दी की दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया है। ठीक है दोस्तों, और टाइम्स पत्रिका ने इंदिरा गांधी को 1976 और अमृत कौर को साल 1947 के लिए वुमेन ऑफ द ईयर करार दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला टीम हाल ही में -12 महिला T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय महिला टीम हाल ही में -12 महिला T20 विश्व कप में फाइनल में पहुंच गई है। तो आपको बताना है कि वो महिला कौन है, भारतीय महिला जो पहुंची हैं और कितनी बार पहुंची हैं। ये ऑप्शन ए पहली बार में, बी दूसरी बार में, सी तीसरी बार में, डी चौथी बार में। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहली बार में। ठीक है, भारतीय महिला टीम की जो टीम है वो हाल ही में जो है पहली बार T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंच गई हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और बात करें अगर भारतीय महिला टीम की, तो इतिहास में पहली बार हाल ही में महिला T20 जो है इन लोगों ने फाइनल पहली बार पहुंचाया है। और फाइनल में भारतीय महिला टीम का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। भारतीय महिला टीम साल 2009, साल 2010 तथा साल 2018 में सेमीफाइनल में जगह बना पाई थी। ठीक है, इन सब जगहों पे 2009 इन सब ईयर में सालों में 2009, 2010 और 2008 में जगह बनाने के कारण ये सबसे पहले स्थान पर आ पाई हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, 7 मार्च को किस देश में टीचर डे यानी शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कौन सा ऐसा देश है दुनिया में जहाँ पर 7 मार्च को टीचर डे मनाया जाता है, अध्यापक दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी अल्बानिया,
ऑप्शन डी चाइना। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ पे टीचर डे मनाया जाता है 7 मार्च को। तो दोस्तों वो कंट्री आपका है अल्बानिया। ठीक है, आपका ये कंट्री है अल्बानिया। अल्बानिया में जो है 7 मई को हर साल जो है टीचर डे मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का आपका अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट आईपीएल के इतिहास में कप्तान व खिलाड़ी दोनों ही तौर पर आईपीएल टाइटल जीतने वाले पहला खिलाड़ी है, यानी कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसने क्रिकेट में आईपीएल इतिहास में और आईपीएल टाइटल में दोनों में जो है उसने अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, ठीक है, और टाइटल जीता है। तो कौन सा ऐसा प्लेयर आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं, ऑप्शन में पहला है विराट कोहली, दूसरा है MS धोनी, सी रोहित शर्मा और एडम गिलक्रिस्ट। बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा है जिन्होंने क्या किया है आईपीएल के इतिहास में कप्तान व खिलाड़ी दोनों के तौर पर आईपीएल टाइटल जीतने वाले पहला खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की करंट अफेयर्स के आपके क्वेश्चन यहाँ समाप्त होते हैं। और अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी करनी है, आपको कोई क्वेश्चन करना है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके आप क्वेरी कर सकते हैं।